अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं हूँ जुनैर अशरफ और आज फिर आपके लिए एक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो का बेसिक टॉपिक मैं आपको बताता चलूँ, टॉपिक ये है कि अगर आपके पास पैसा बहुत कम है और आप गोल्ड फार्मिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो मेन जो हमारा इस कम बजट में गोल्ड फार्मिंग स्टार्ट करने का जो अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं हूँ जुनैर अशरफ और प्यारे दोस्तों, वीडियो का टॉपिक आपको थंबनेल देखकर अंदाज़ा हो गया होगा। टॉपिक ये है कि मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास बजट बहुत कम है, मीन के बजट इतना ज़्यादा भी कम ना हो लेकिन इतना तो होना चाहिए, मिसाल के तौर पर 50,000 से लेकर 1,00,000 के दरमियान है, तब कौन सी बकरियां आपके लिए बेस्ट रहेंगी कि आपको कम टाइम में ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है। इसी टॉपिक पर इंशाल्लाह आज इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज मिलती रहा करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिले। तो प्यारे दोस्तों, मैं कैमरे के पीछे आ गया हूँ, मैं आपको ना इस बकरी की क्वालिटी चेक करवाता हूँ। ये बेसिकली टैडी नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास बजट कम है और आप गोल्ड फार्मिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप टैडी बकरियाँ खरीदने का बेसिकली रुझान करते हैं, लेकिन आप टैडी मत खरीदें। ये चीज़ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये टैडी मिक्स में है, मीन के टैडी और बीतल, मीन के बीतल में मक्खी चीना या और कोई ब्रीड का क्रॉस है, ठीक है। और इसे हम दोगली टैडी कहते हैं। अब जो टैडी बकरी होती है उसकी जो खसूसियात होती हैं वो ये होती हैं कि वो एक साल में कम से कम दो दफ़ा प्रेगनेंटी में इनके बच्चे देती है। इसकी जो खसूसियत है ये भी सेम है, ये भी दो दफ़ा बच्चे देगी। टैडी के बरक्स इसकी जो अच्छी बात है वो ये है कि ये साल में एक दिन का जो दूध देती है वो टैडी से ज़्यादा देती है। इसका एक दिन का दूध कम अज़ कम 2 किलो ईजीली होता है। अब मैं आपको ना इसका हवाना चेक कराता हूँ भाई। इन्हें ना मगरों हवाना चेक कराया जाए, अगर कर थाना अगर कर दो, ये चेक करें। अभी दिन के 12 बजे का टाइम है, सुबह भी इसका दूध निकाला है। ये एक दिन का इंशाल्लाह कम से कम 2 किलो दूध और 2.5 किलो अच्छी खुराक पर दे सकती है, ठीक है ना। कन्फर्म नहीं है लेकिन ये अभी आप चेक करें ना खुद ही। तो अगर आप एक छोटे गोल्ड फार्मर हैं और आपके पास पैसा भी कम है तो आप इन बकरियों को यूटिलाइज़ करें। इंशाल्लाह मुझसे काफ़ी दोस्त पूछते हैं कि भाई कोई हमारे पास बजट कम है तो बताएं सस्ती बकरियों लेकिन फ़ायदा ज़्यादा दें। तो ये देख लें, ये टैडी दोगली से दोगली कहते हैं। और इसकी जो एक अच्छी चीज़ है ना वो मैं आपको बताता चलूँ, ये पूरे पाकिस्तान में सरवाइव कर सकती है और आपको पूरे पाकिस्तान से मिल सकती है। मैं थोड़े अगे तो रहा जी परानो हवाना चेक कराना मगरों, तो इसका मैं आपको हवाना भी चेक करवा रहा हूँ। और ये देखें ना पीछे से भी आपको नज़र आएगा कि काफ़ी दूध देने वाली बकरी है। हाइट इसकी छोटी है। अब मैं आपको ना वीडियो के सामने आकर कुछ चीज़ें इसकी जो बताने वाली हैं वो भी बताता हूँ। प्यारे दोस्तों, मैंने आपको उसका फ़ायदा बताया कि वो भी साल में बकरी ना 2 दफ़ा क्रॉस हो सकती है, बच्चे देगी। ये भी टैडी जैसी सेम है लेकिन इसके जो बच्चों की ग्रोथ है ना मैं आपको वो अब चेक करवा रहा हूँ लाइव। इसका मैं आपको ना पहले तो ये बकरी चेक करवाता हूँ भाई, आगे लेके आ। ये देखें, इसी बकरी पर जो मैंने आपको पहले चेक करवाई है ना उस पर हमने अच्छा ब्रीडर क्रॉस करवाया है और इनके बीतल नस्ल का, और ये उससे हमें प्रोडक्शन हासिल हुई है। और इसका मैं आपको हवाना चेक करवाता हूँ। ये अभी तकरीबन 2 माह आई थिंक इसको हो चुके हैं डिलीवरी किए हुए और ये इतना अच्छा दूध दे रही है। और ये देखें ना बीतल में ऐसा ऐसा कन्वर्ट हो रही है, लेकिन ये प्योर नहीं बनेगी लेकिन ऐसा ऐसा अच्छी चीज़ बन जाएगी। तो आप जो बकरियाँ मैंने आपको अब बताई हैं ना आप उनको यूटिलाइज़ करें अगर आपके पास पैसा कम है, और आहिस्ता आहिस्ता उन पर मेहनत करें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ना ये देखना अब क्वालिटी थोड़ी थोड़ी अच्छी होना स्टार्ट हो गई है। प्योर नहीं है लेकिन थोड़ी सी अच्छी हो चुकी है। और अगर इनकी गोश्त के लिहाज से आप फार्मिंग करना चाहते हैं तो मैं गोश्त के लिहाज से भी आपको ना उस बकरी का एक बच्चा दिखाता हूँ। तो छोटा भाई ना उस बकरी का एक बच्चा लेने गया है। मैं आपको बता दूँ उस बकरी की जो दूध देने की क्वालिटी है ना, सिंपल टैडी 1 किलो दूध देगी तो ये 2.5 किलो या 2 किलो मिन केयर कर लें, 2.5 किलो मैं कहूँगा ना तो काफ़ी ज़्यादा दोस्त शायद गुस्सा ही कर जाएँ, ठीक है ना। 2 किलो कम से कम देगी। अब अगर आप गोश्त के लिहाज से इन बकरियों की फार्मिंग करना चाहेंगे, आपके पास पैसा भी कम है, तो ये चेक करें, ये उसी बकरी का बच्चा है, ठीक है ना। और इसकी एज 1 साल है, ठीक है। इसकी जो हाइट है ये बीतल से क्रॉस करवाई थी हमने, इनके हम बकरा उन पर अच्छा क्रॉस करवा रहे हैं तो उनसे हमें अर्निंग भी ज़्यादा होती है। अगर वो टैडी से क्रॉस करवाई होती ना तो ये बच्चा मिसाल के तौर पर कुर्बानी पर 20,000 का मिसाल दे रहा हूँ सेल होगा, तो जो टैडी का बच्चा होना था वो तकरीबन 10 से ऊपर नहीं जाना था। तो आप इनको एज अ मीट, इनके गोश्त की पैदावार के लिए भी टैडी दोगली बकरी को इस्तेमाल कर सकते हैं। और बेसिकली देखें ना ये चीज़ पाकिस्तान के हर इलाके में रह सकती है, रावलपिंडी, मुल्तान, सियालकोट, हर साइड में ये पाई जाती है,
सरवाइव कर सकती है, इजीली रह सकती है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास बजट बहुत कम है तो आप इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब जो आपको पीछे भाई दिखा रहा है ये इसकी मीन के प्रोडक्शन है दोनों, और इनका मीट वगैरह वैसे भी हाइट वगैरह इनकी अच्छी है। उन पर बकरा आप अच्छा क्रॉस कराएंगे ना तो इंशाल्लाह आपकी आहिस्ता आहिस्ता अच्छी अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब वीडियो का बेसिक मैंने चीज़ आपको बता दी है, तो वीडियो का अब बताते हैं आपको खुलासा, निचोड़ बताता हूँ, ठीक है ना। ओके तो प्यारे दोस्तों, चीज़ मैंने आपको दिखाई है, आप इसे यूज़ करें, सीधे से पूरे पाकिस्तान में इसकी प्रोडक्शन होती है। किसी भी मंडी से आपको ये एवरेजन तकरीबन औसतन 12,000 की सिंपल टैडी बकरी ना, एवरेज के इसके 12,000 के राउंड अबाउट होती है टैडी बकरी पाकिस्तान में। लेकिन ये बकरी तकरीबन 13-14 के करीब ये भी इजीली आपको किसी भी मंडी से मिल जाएगी। इनको आप यूटिलाइज़ करें, टैडी को कम करें। टैडी सिर्फ गोश्त देगी, दूध नहीं देगी, ये आपको दूध के साथ साथ गोश्त भी देगी। ये चीज़ मैं जो आपको बताई है, दिखाई है, ठीक है। इसे आप यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको तकरीबन अगर 1,00,000 है ना, 1,00,000 में आपके तकरीबन 8 जानवर आ जाएंगे। टैडी बकरी एक दिन का 1 किलो मिसाल के तौर पर दूध देगी, तो ये 2 से 2.5 किलो दूध देगी। तो इन्हें आप यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। और तकरीबन 6 माह या 1 साल बाद आपके जानवरों के ऊपर अगर आप अच्छा ब्रीडर क्रॉस करवाएंगे तो उनकी क्वालिटी भी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये वीडियोस उन दोस्तों के लिए थी जो पूरे पाकिस्तान से, जिनके पास बजट बहुत कम होता है और वो स्टार्ट में गोल्ड फार्मिंग करना चाह रहे थे, इनको एक्सपीरियंस भी ज़्यादा नहीं होता, वो ऐसी बकरियों को ज़रूर यूटिलाइज़ करें, इंशाल्लाह उनको फ़ायदा होगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है लाइक ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह मज़ीद इस किस्म की वीडियोज़ लेके आपके लिए आते रहेंगे। और बहुत शुक्रिया सर।